डीजे पेशावर मुनफरद इसलिए है कि लोग सबसे पहले बैलेटिंग करते हैं, फिर प्रोजेक्ट पे काम शुरू करते हैं, लेकिन डीमान डीजे पेशावर और एलिल बिल्डर ने सबसे पहले ग्राउंड पे काम शुरू किया है। दिस इज अ मिक्स यूज बिल्डिंग जिसमें हमारे पास 3 फ्लोर्स की पार्किंग है, उसके अलावा हमारे पास 4 फ्लोर्स जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए है, फिर 1 फ्लोर फूड कोर्ट है, देन वी हैव 2 फ्लोर्स फॉर ऑफिसेज, और उसके बाद हमारा 1 बेडरूम अपार्टमेंट है और उसके ऊपर फैमिली अपार्टमेंट्स जो कि 2 और 3 बेडरूम अपार्टमेंट पे बने हुए हैं और 8 स्टोरीज। यकीनन पेशावर में जो इस टाइम इससे पहले इनको कुलू का शहर कहा जाता था, दरमियान में फिर ये शहर बहुत ज्यादा मुतासर हुआ और वो जो कारोबार था वो भी मुतासर हो गया और उनका जो रोड थे, पार्क थे, सब मुतासर हो गए। आबादी के साथ इजाफे के साथ ये एक जरूरत था कि इस तरह कोई एक प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट पेशावर में हो जाए जहाँ पर तमाम फैसिलिटी हो। डीजे पेशावर के बाद एक तरफ अगर इलाके में अमन आया है तो दूसरी तरफ यहाँ पर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गए हैं, यहाँ पर एक जदीद शहर बन रहा है। आज के मेहमान खुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सेफ से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और सॉफ्टवेयर का पासवर्ड एंटर करें। ये दरमियान में जो नजर आ रहे हैं ये हमारे कामयाब उम्मीदवार हैं, तमाम कामयाब उम्मीदवार को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ये समझता हूँ कि हमारा इलाका, हमारा खित्ता पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा इन जनरल उस तारीख दौर से निकलकर अब रोशनी की जानिब सफर कर रहा है, क्योंकि कुछ अरसा पहले ही यहाँ के अपने लोग खैबर पख्तूनख्वा को छोड़कर पंजाब, इस्लामाबाद, कराची और दीगर शहरों की जानिब माइग्रेट कर रहे थे, जा रहे थे, इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहे थे। आज ये न सिर्फ एक मस्बत इकदाम है बल्कि एक मुबारक इकदाम है कि लोग अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। Sir,